हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ रुचि और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड की रसमलाई। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं इसको, या फिर आपका कभी भी अचानक से मीठा खाने का मन हो तो आप बना सकते हैं इसको। बहुत ही कम सामान में ये बन करके तैयार हो जाती है और टेस्ट में तो इसका कहना ही क्या, बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में, बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आइए फिर बिना किसी देरी के देखते हैं कैसे बनती है ये ब्रेड की रसमलाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रबड़ी तैयार कर लेंगे रसमलाई बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 4 कप दूध ले लिया है और दूध में बॉईल आ गया है, तो अब इसमें हम चीनी डाल देंगे 1/2 कप। तो अब इसको हम चीनी को मिक्स कर देंगे। इस दूध की हमें रबड़ी तैयार करनी है, तो चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है, हम इसको डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा, जो हमारी रबड़ी है वो जल्दी तैयार हो जाएगी, इससे दूध जो है वो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप मिल्क पाउडर ना डालना चाहें तो ना डालें, आप दूध को ज़्यादा देर तक इसी तरीके से खौलाते रहें तो हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। बस मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा कि ये रबड़ी जल्दी तैयार हो जाएगी। मैंने इलायची डाल दी है 1/4 टीस्पून, और यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर लिया है 1/4 टीस्पून। इससे जो इसमें हल्का सा येलो कलर आ जाएगा उससे ये देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी हमारी रसमलाई। और अब मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये कुछ काजू बादाम पिस्ता है, ये डाल देंगे। तो मैंने इसको करीब 10 मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे चलाया है, तो मिल्क पाउडर की वजह से ये जल्दी तैयार हो गई है 10 मिनट में। बस हमें इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अपने आप और गाढ़ी होगी। तो अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, इसको ठंडा होने देंगे। तो तब तक के लिए इसको छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर ये ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, ब्रेड स्लाइसेस 8 लिए हैं हमने, 8 ब्रेड स्लाइसेस, तो 1 ग्लास लिया है। इससे हम इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे इसी तरीके से, और जो ब्रेड हमारी बच जाएंगी इनको हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड क्रम्स बना के बहुत सारी रेसिपीज बन जाती हैं, तो वो आप बना सकते हैं, ब्रेड कटलेट वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। और जो रबड़ी थी हमारी वो भी ठंडी हो गई है, तो जो हमने ये ब्रेड के पीसेस कट करे थे इनको इसमें हम डिप कर देंगे, जिससे कि ये जो हमारी रबड़ी है ये ब्रेड में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसीलिए इस तरीके से हम इसको डिप कर देंगे। और अब हम अपनी रसमलाई को सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद ही इसको खाएं। इससे क्या होगा, जो रबड़ी है और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी फ्रिज में रखने की वजह से, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। वैसे आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। और हम कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने बचा लिए थे उससे इसको गार्निश कर देंगे। तो ब्रेड की बहुत ही यम्मी सी हमारी रसमलाई बिल्कुल बन करके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।